घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं। अब इस तरह से यहां आ जाता है, कभी इस पग में कभी उस पग में बंधता ही रहा हूं मैं। फिर यहीं से घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं। हेलो एवरीवन, आज ये बहुत ही मैं प्यारा सा गाना लेकर आई हूँ, किशोर कुमार जी का गाया हुआ। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में बंधता ही रहा हूँ मैं। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, बहुत प्यारा ये गाना है। दादरा ताल पर जाता है। मैं आपको ए शार्प से यानी पांचवी काली से बता रही हूँ। ओरिजिनल इसका डी यानी दूसरा सफेद से मेजर कॉर्ड है। मैं आपको ए शार्प से बता रही हूँ क्योंकि अंतरे इसके ऊपर ही जाएंगे, तो मैं अपनी रेंज के हिसाब से आपको बता रही हूँ। और पहली काली सी शार्प से भी आपको एक बार बजा के जरूर दिखाऊंगी इसी वीडियो में, ताकि आप अगर सी शार्प से बजाना चाहें तो आप इसको बजाएं। बहुत प्यारा आज का गाना, चोर मचाए शोर फिल्म से किशोर कुमार जी का गाया हुआ, शशि कपूर जी पे फिल्माया गया, बहुत सुंदर गाना आज का। ये ए शार्प से मेजर कॉर्ड में बता रही हूँ आपको, ठीक है, पांचवी काली से, क्योंकि इसके अंतरे ऊपर ही जाएंगे तो मैंने पांचवी काली से इसे बता रही हूँ आपको। पहले काली से भी बताकर चलूंगी लास्ट में। और ओरिजिनल स्केल है ये डी से ओरिजिनल स्केल है गाने का। अगर आप ये यहाँ से सा बना के बजाएंगे साथ साथ में और किशोर जी का ये सॉन्ग सुनेंगे साथ साथ में बजाएंगे, तो आपका प्रैक्टिस भी अच्छा होगा, खुद का भी चेक होगा आपका कि कहाँ अच्छे से जा पा रहा है कहाँ नहीं जा पा रहा है। ठीक है जी, सॉन्ग है घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। अभी इस से यहाँ आ जाता है, कभी इस पग में कभी उस पग में बंधता ही रहा हूँ मैं। फिर यहीं से घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। अब इसके नोट्स में बताती हूँ, इससे पहले एक म्यूजिक पार्ट बहुत सुंदर। देखिए जब आप हारमोनियम पे कोई भी म्यूजिक पार्ट करते हैं ना, तो एक ही तरह की आवाज़ आती है। अगर आप कीबोर्ड पे करते हैं, पियानो पे करते हैं, तो वो अलग अलग तरह का आपका उसमें फ्लूट भी आ जाता है, स्ट्रिंग भी आ जाता है, गिटार भी आ जाता है, और भी जो इंस्ट्रूमेंट आप देना चाहें, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ इसी पे आपको वो बता दें कि उसे आप बजा सकते हैं, पियानो कीबोर्ड अगर आप यूज़ करते हैं तो उस पर। दादरा ताल जाएगी, मैंने आपको बताया तीन मात्रा, घुंघरू की तरह, एक दो तीन चार पाँच छः, इस तरह से, ठीक है जी। सबसे पहले एक म्यूजिक पार्ट तार सप्तक के साथ से शुरू होगा, जहां से भी आप बजाएंगे उसके तार सप्तक के साथ से शुरू होगा, ठीक है। ये फ्लूट का म्यूजिक आता है स्टार्टिंग में, ठीक है। इसको स्वर है इसमें सा रे प रे सा रे नी सा रे ग म प म ग, ये फर्स्ट पार्ट है इसका, तार सप्तक के ले रहे हैं हम सारे, ठीक है। नी कोमल है, बाकी स्वर शुद्ध है। ग से खत्म होता है, इसके बाद एक स्ट्रिंग का म्यूजिक आता है, ये होगा रे सा रे सा नी ध प नी, फिर से रे सा नी ध प नी रे सा रे म, इस तरह से रुक जाएगा म पे। फिर से फ्लूट, ये है लास्ट में एक और म्यूजिक इसका, ठीक है। पनी रे सा पनी रे सा पनी रे सा सा, आप देखिए जब आप करते हैं पनी रे सा, सेकंड में पनी रे सा, तरीका अलग है सिर्फ, फिर वापस फर्स्ट जैसा पनी रे सा
अब जब लास्ट का सा देते हैं तो कॉर्ड सा प और ग, ये कॉर्ड भी आप दबा सकते हैं, ठीक है। फिर से एक बार पूरा म्यूजिक, सिर्फ म्यूजिक बजा के बता रही हूँ। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ एंड लास्ट पार्ट। इस तरह से आप बजा सकते हैं। फिर आपको स्टार्ट करना है मध्य सप्तक के साथ से, ठीक है जी। घुंघरू की तरह सानी सारे मागा, फर्स्ट लाइन, फिर बजता ही रहा हूँ मैं मागरी मागरी सा सा सा, फिर से अब इस सा से तार सप्तक के सा पे जाना है आपको नेक्स्ट लाइन के लिए। कभी इस पग में, कभी उस पग में, दोनों लाइनों की सेम, सा सा नी सा नी धा पा, सा सा नी सा नी धा पा, ठीक है। कभी इस पग में, इसी तरह से सेम, कभी उस पग में, नेक्स्ट लाइन, बंधता ही रहा हूँ मैं पापा नी धपा मामा मागरी सा, ठीक है। बंधता ही रहा हूँ मैं, फिर यहीं से घुंघरू की तरह। जब सही में रिपीट करके आते हैं तो ये थोड़ा सा अलग से लेना है। सानी सारी मागा मापागा, बस इतना, ठीक है। बजता ही रहा हूँ मैं मागरे मागरे सा सा सा, ठीक है। फिर से एक बार पूरा, फर्स्ट लाइन, नेक्स्ट तार सप्तक से, अब यहीं से, ये आपका स्थाई कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। नी कोमल सिर्फ यूज हो रहा है मंद्र सप्तक में भी और मध्य सप्तक में भी, बाकी सारे स्वर इसमें शुद्ध यूज हो रहे हैं, और मंत्र सप्तक में तो एक नी ही यूज हो रहा है बस, ठीक है। आप अंतरे लेते हैं इसके, सारे अंतरे सेम है इसके। ये फर्स्ट लाइन है अंतरे की। कभी टूटे अब देखिए सा और ग, मतलब यहाँ तक तार सप्तक के ग तक जा रहा है। अगर आप पहली काली से गाते हैं और आप जा सकते हैं आसानी से, तो आप पहली काली से भी गा सकते हैं। ये मैंने अपने रेंज के हिसाब से लिया है, ठीक है। पहली काली से भी बजा के दिखाऊंगी। शुरू करते हैं। कभी टूट गया सा सा नी सा गे सा, नेक्स्ट, कभी तोड़ा गया सा 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 नी धा धा, फिर सौ बार मुझे सा सा नी सा नी धा सा, सॉरी सा सा नी सा गे सा, ये आएगा गे सा, फिर जोड़ा गया, ये एक पार्ट लेना है आपने। सौ बार मुझे, बिल्कुल पहले लाइन के जैसा, फिर जोड़ा गया सा सा रे सा नी धा धा, टिल हाँ नी सा नी धा पा सा, ठीक है। फर्स्ट लाइन, कभी टूट गया सा सा नी सा गे सा, सेकंड, कभी तोड़ा गया सा सा नी सा 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 नी
जैसे फर्स्ट थी सा सा नी सा नी सा, फिर जोड़ा गया है ना, सा 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 नी धा धा नी सा नी धा पा सा, ठीक है जी। ये पूरा अंतरे की दोनों लाइनें फिर से कभी। नेक्स्ट सो बार, ठीक है, जोड़ा गया में ये होता है जोड़ा गया रे सा नी धा धा, ठीक है। फिर कभी इस पग में कभी उस पग में जैसे बजाया था सेम उसी तरह से यूं ही लुट लुट के सा सा नी सा नी धा पा। नेक्स्ट बिल्कुल सेम यूं ही मिट मिट के सा सा नी सा नी धा पा। अब यहीं से बनता ही रहा हूं मैं पापा नी धपा मामा मगर सा, फिर घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं, ठीक है ना। मैंने बताया अंतर सेम है, फिर भी पहला अंतर दोबारा बजा रही हूं, देखिए नेक्स्ट लाइन रिपीट करेंगे विदाउट टेल, प पे खत्म, ध पे खत्म हो जाएगा ये आपका, फिर कयूं ही लुट लुट के यहीं से बनता है। मैंने आपको बताया कि सारे स्ट्रेंजेस के सीन जाएंगे, जैसे एक और ले लेते हैं मैं करता रहा औरों की कही, ठीक है, मैं करता रहा सा सा नी सा नी सा, फिर औरों की कही सा 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 नी धा धा। नेक्स्ट मेरी बात सा सा नी सा गरे सा, फिर मन ही में रही, ठीक है ना, सा सा नी सा नी धा पा सा, बिल्कुल सेम जैसे हमने पहले अंतरा बजाया था वैसे ही रिपीट करेंगे तो टेल नहीं लगाएंगे। मैं करता रहा औरों की कही मेरी बात अब बिना टेल के मन ही में रही है ना, धा पे रुक गए यहीं पे, फिर है कभी मंदिर में कभी महफिल में, कभी इस पग में कभी उस पग में सेम सा सा नी सा नी धा पा सा सा नी सा नी धा पा। अब यहीं से सजता ही रहा हूं मैं, फिर आपका बजता ही रहा हूं, ठीक है जी। फिर से एक बार देखिए, पहले म्यूजिक आता है सेकंड पार्ट म्यूजिक का, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिर आपका शुरू होता है तार सप्तक के साथ से, फिर मध्य सप्तक के साथ से, अंतरे सारे सेम तार सप्तक के साथ से शुरू होंगे। अब बिना टेल के
धा पे रुक गई। अब फिर आपका स्थाई बजता ही रहा हूं। अब मैं आपको इसका पार्ट एक बार सिखा रही हूँ, पहली काली से बजा के दिखाऊंगी सिर्फ आपको, ठीक है। ओरिजिनल डी है इसका, मैं सी शार्प से एक बार बता के चलती हूँ आपको, ठीक है, देखिए कैसे बजता है। बाकी आप, मैंने पांचवी काली से आपको ए शार्प से बताया है, नोट्स यही रहेंगे, सिर्फ आपकी कीज बदल जाएंगी, ठीक है जी। ठीक है, अब इसको देखिए, फिर धा पे रुक जाएंगे, टेल नहीं देंगे, उसके बाद यहीं से अब सा से ही गुरु की तरह बजता ही रहा। अब मैंने आपको दोनों स्केल से बता दिया है, और ओरिजिनल से भी बजाना चाहे तो सेम नोट्स पे बजेगा, ठीक है जी। आप भी ये बजाइएगा, बहुत सुंदर गाना है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा।